करा है सैन्यवाद को देखना है, सैन्यवाद को देखना है। करा प्रथम किसी की जब शुरुआत होती है उस चीज की चेष्टा को लेते हैं। सभी देश क्या करते हैं, अपने सैनिक बल को बढ़ावा देने लगते, अपने सैनिक बल को मजबूत करने के लिए सभी देशों में सैन्यवाद यानी सैनिक सुधार की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होने लगती है। पर जिसमें पर यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, साथ ही फ्रांस और जर्मनी भी अपने सैनिक बल को क्या किए, बढ़ावा देने लगे। इसी का प्रभाव पड़ा कि प्रमुख यूरोपीय देश जैसे अपने राष्ट्र में जो भी आय हो रहा था, यानी जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोगों के देश में मतलब इस देश में जितना भी आय की प्राप्ति होने लगी उस आय का लगभग 85% अपने सैनिक सुधार पर बल देने लगे, यानी अपने सैनिक को बढ़ावा देने के लिए उसके खर्च करने लगे। और इस 13 से 14 किसी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख सेना हो जाती है, इतनी 8 लाख सेना होती है। जर्मनी के बाद 7,60,000 सेना होती है। और पर आया रूस पहले से 15,28,000 सेनों का निर्माण कर चुका रहता है। इस स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड में क्या करता है, जहाज क्षेत्रों में विकास करना शुरू करता है, जहाज क्षेत्रों में विकास करना शुरू करता है अपना अधिकार जमाने के लिए। इस चीज़ को देखते जर्मनी चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करता है। इंग्लैंड को क्या करता है, जब इंग्लैंड जहाज का निर्माण करने लगता है और अपना अधिकार जमाने लगता है तो जर्मनी से देखा नहीं गया और उन्होंने उसकी चुनौती को क्या किया, स्वीकार किया। और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने एक जहाज बेड़े का निर्माण करता है। और 1912 में जर्मनी एक जहाज बेड़े का निर्माण करता है जिसका नाम होता है इंस्पिरेटर। क्या नाम होता है, इंस्पिरेटर नाम की जहाज बेड़ा का शुरुआत करता है। उस समय की यह जहाज की बेड़ा सबसे शक्तिशाली जहाज की बेड़ा थी। पड़ा है इस प्रकार जर्मनी क्या होता है कि इंग्लैंड के बाद दूसरा ऐसा राष्ट्र होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है प्रथम युद्ध में। पहला कौन था जी, इंग्लैंड था। दूसरा कौन होता है, जर्मनी होता है। क्यों होता है, क्योंकि और जहाज बेड़ों का निर्माण कर लेता है 1912 में और उस जहाज बेड़े का नाम होता है इस पर रेटर, इस पर रेटर। ठीक है जी।